बुधवार को पक्का बरो के पास दिल्ली से पालमपुर जा रही पालमपुर डिपो की एसी डीलक्स बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गनीमत ये रही कि इसमें सफर कर रही 15 सवारियां बाल बाल बच चुकी है। ड्राइवर कंडक्टर ने इन सभी सवारियों को एक अन्य बस में बैठाकर इनके गंतव्य की ओर रवाना कर दिया है। जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह तेज तूफान चलने के चलते एक सूखा पेड़ अचानक सड़क के बीच गिर गया। इस पेड़ से बचने के चक्कर में जैसे ही ड्राइवर ने बस को थोड़ा सा घुमाया, बस सड़क से नीचे उतर गई और दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हाइड्रा की मदद से बस को बाहर निकाल लिया गया है। एसएचओ आशीष पठानिया ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि इस दुर्घटना में कोई सवारी घायल नहीं हुई है और उन्हें एक अन्य बस के द्वारा पालमपुर की ओर भेज दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। कोई हादसा, कितनी सवारियाँ मौजूद थी? तो कहाँ से आए थे और कहाँ जा रहे थे? दिल्ली से बात कर रहे हैं। दिल्ली से? ये रोज का रूटीन है आपका? रोज का रास्ता? धन्यवाद। तो ये बुधवार को नगर पंचायत अंब के अंब ऊना रोड पर हिमालयन ढाबा के बाहर खड़ी एक कार को टैक्सी चालक ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हालांकि इस दुर्घटना में किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं आई है, मगर गाड़ियों का काफी नुकसान हो चुका है। जानकारी के अनुसार अभिनव कुमार अपनी गाड़ी से चंडीगढ़ से पालमपुर की ओर जा रहा था और अंब के हिमालयन ढाबा में खाना खाने के लिए रुका हुआ था। तभी ऊना की तरफ से आ रही टैक्सी ने खड़ी कार में टक्कर मार दी, जिसके कारण दोनों कारों का काफी नुकसान हो गया है। गनीमत ये रहे कि टक्कर मारने वाली कार का चालक भी बाल बाल बच गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुर्घटना का जायजा लेने के बाद मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। डीएसपी अंब वसुधा सूद ने मामले की पुष्टि की है। अंब से परीक्षित सेखड़ी की रिपोर्ट।